आज हमारे साथ है नोरा फतेही और तुलसी कुमार, जो अपनी साकी साकी को की सक्सेस हमारे साथ सेलिब्रेट करने वाली है। वेलकम ऑन E24। थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहती है, दो दिन में 25 मिलियन अब 40 के करीब है, क्या कहना चाहती है? या 40, वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। बहुत बहुत शुक्रिया कहना है क्योंकि आप लोगों की वजह से वी रीच दिस नंबर एंड आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है एंड फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दैट। यस, बहुत ही खुश हैं एंड वी टोटली इन द सेलिब्रेशन मूड राइट नाउ बिकॉज यू नो गाने को बहुत प्यार मिल रहा है, जबकि रिक्रिएशंस जब भी आते हैं यू नो दैट कंपैरिजन होगा और पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बट दिस वन हैज़ रियली रियली बिन गेटिंग अस अ लॉट ऑफ लव एंड आई लाइक टू मेंशन आवर एंटायर म्यूजिकल टीम, तनिष्क, नेहा कक्कर, बी प्राग, आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम एंड ऑफ कोर्स नोरा हुज लाइक जस्ट किल्ड इट ऑन स्क्रीन। बहुत ही प्यार मिल रहा है, थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। तुलसी, अगर बात की जाए म्यूज़िक की तो आज काफ़ी रिक्रिएशंस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है कि सक्सेस होगा या लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? वेल, जब रिक्रिएशन आता है तो डेफिनेटली कंपैरिजंस का वो होता है, बट आई एम सेइंग यू नो बहुत लोग पूछते हैं कि इतने रिक्रिएशंस क्यों बन रहे हैं आजकल। कहीं ना कहीं ऑडियंसेस वो रिक्रिएशन सुन रही हैं एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ रिक्रिएशंस आर बीइंग मेड एंड इन द पास्ट वी हैड ऑफ कोर्स देयर वाज दिलबर, देयर वाज आंख मारे वेरी रीसेंट एंड नाउ देयर इज ओ साकी साकी। बहुत सारे रिक्रिएशंस आते हैं बट उनमें से कुछ रिक्रिएशंस होते हैं दैट एक्चुअली मेक इट वेरी वेरी बिग एंड आई थिंक ओ साकी साकी, अब मुझे नहीं पता उसको हम कम्प्लीटली रिक्रिएशन कहें या ना कहें क्योंकि उसमें बाकी सब फ्रेश है, सिर्फ वो हुक जो है उसको यूज़ किया गया है, बट द फुल म्यूज़िक प्रोडक्शन, द लिरिक्स, द बिगिनिंग का जो मेरा चंक आता है और ब्रिज का जो पार्ट आता है, लिरिक्स अलग है, म्यूज़िक अलग है एंड देन इट गोज़ इनटू द हुक। सो एक नया टेक है, एक फ्रेश अप्रोच है एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि ये वाला रिक्रिएशन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप भी दिलबर, ये अभी ओ साके साके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उससे कुछ बेटर करना है या कुछ? ऑफ कोर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एज अ आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर। आई थिंक मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है लोगों के लिए। आई शुड डांस वेल, आई शुड परफॉर्म वेल, आई शुड एक्सप्रेस वेल एंड आई शुड टेक द सॉन्ग टू अनदर लेवल ईच टाइम। जो मैंने किया दिलबर में दोबारा नहीं करना चाहिए, आई शुड डू समथिंग डिफरेंट। जो मैंने किया इस गाने में, फायर डांस किया मैंने, एक बहुत डिफिकल्ट हुक स्टेप डाला हमने, सो ऑल द कोरियोग्राफी वी कैन से इज बिन टेकन अप टू अनदर लेवल, द डांस लेवल हैज बिन you know increased up a notch if you can see from the hook step, yeah. एंड अगर हम साकी के बारे में बात कर रहे हैं तो साकी में एक फ्री स्टाइल डांस स्टाइल है, सो इट्स नॉट बेली डांस, यू नो यू कैन सी अ लॉट ऑफ कैबरे, अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स पुट टुगेदर, इट्स वेरी बॉलीवुड एंड देन यू हैव द फायर डांस, सो फायर डांस बहुत अलग है। सो नूरा, अगर बाटला हाउस की बात की जाए उसमें आप एक्ट भी कर रही हैं, कभी रिग्रेट भी होता था कि लोग मुझे दिलबर की वजह से पहचान रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस कुछ कभी होता था ऐसा? इतना बड़ा गाना, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स नॉट, नो 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 नो, मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ, फॉर एवर हम्बल्ड। फॉर एन आर्टिस्ट इट्स always an opportunity to be able to be attached to a classy project, to something that people fall in love with. It's only an opportunity, so I can never think something like that's very negative. You should be very proud and I'm very proud of Dilbar. So John ke sath kaisa kaisi experience raha, kaisa anubhav raha? आई थिंक जॉन के साथ हमेशा काम अच्छा होता है बिकॉज वो बहुत प्रोफेशनल है एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड ही नोज़ व्हाट ही वांट्स इन हिज फिल्म्स। विथ बाटला हाउस, वर्किंग विथ एवरीबॉडी फ्रॉम निखिल अडवाणी सर टू जॉन अब्राहम टू द अदर एक्टर्स, द सपोर्टिंग एक्टर्स, विथ द प्रोडक्शन हाउस एम ई एंटरटेनमेंट, टी सीरीज, एवरीबॉडी, इट्स बीन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। सो तुलसी, अगर बात की जाए तो आप अलग ही लहजे में गाना गा करती थी और इस बार एकदम अलग, क्या कैसे? मैंने कोशिश की है क्योंकि ये एक बहुत फास्ट पेपी हाई ऑन एनर्जी नंबर था, नोरा परफॉर्म करने वाली थी, सो आई कैन बी द स्वीट
मेलोडियस तुलसी गाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. एंड ऑफकोर्स जब मैं ये गाना अटेम्प्ट करी थी तो तनिष ने भी कहा कि आई वॉन्ट यू टू ट्राई द सॉन्ग, बट ही वॉज नॉट श्योर कि यू नो आई विल बी एबल टू डू इट. बट मैंने फर्स्ट टेक जब किया आई एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड एंड आई संग फुल थ्रोटेडली. मैंने पूरी यहाँ से गाया वो गाना और आई थिंक इट्स जस्ट टच्ड एवरीबडी एंड सबको मेरी ये नया अंदाज आवाज़ का पसंद आ रहा है. एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मुझे खुद को पता चला है कि मैं जब इस की में गाती हूँ और इस स्टाइल में गाती हूँ तो मैं कितनी डिफरेंट साउंड कर सकती हूँ. एंड आई एम ग्लैड माई वॉइस इज सूटिंग दिस लवली गर्ल. सो नोरा, स्ट्रीट डांसर्स की भी एक्साइटमेंट लोगों में बहुत बनी हुई है, बहुत बज क्रिएट हो चुका है, उसके बारे में कुछ बताएं हमें. तो अभी भी शूट चल रही है, सो आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन दैट. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म. आई थिंक शायद आई कुड बी रॉन्ग बट आई हैव अ फीलिंग दिस मे बी द बिगेस्ट डांस फिल्म इन सिनेमा हिस्ट्री, नॉट जस्ट इंडियन सिनेमा, आई फील लाइक वर्ल्ड वाइड दिस विल बी द बिगेस्ट डांस फिल्म. उसमें सब कुछ है, डांस है, इमोशन है, स्टोरी है, एक्टिंग है, इवन द डांस लेवल इज इन अनदर space altogether. So I feel like people are going to get really the run for their money in the cinemas when they go watch this movie. So agar baat ki jaye, aap kabhi mauka mila aap dono ko fir se saath kuch aisa ek saath aane ka, to koi gana hai zehen mein ki uske recreate karke fir present kiya jaye kuch aisa? I mean there's so many things we can do. You know, she is a huge fan of Helen Mann. I think Pia Tu Ab To Aaja should be something that we I love her so much. Not offending anyone. Yeah. I mean anything, if it's a recreation, theek hai, agar naya gana bhi hai to wo bhi chalega. मुझे सिर्फ काम करना है तो मैं खुश हूँ. एक कुछ लाइन हो जाए, बहुत 40 मिलियंस हो गए हैं तो हमारे फैंस को भी जरा दो लाइनें सुना दे आप. मैं तेरी आँखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल, इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल. वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो. ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी. ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी. That was Saki for all of you. Thank you. Well, go and hear this beautiful, beautiful song, O Saki Saki, and burn the dance floor. Yes, please do watch the film Batla House August 15th. Yes. So you can catch some amazing performances. Saki Saki, one amazing true story, John Abraham's acting, me acting, and everything in between. Thank you. Thank you. Thank you.